रोजमर्रा की जिंदगी को देखें, ज्यादा फोकस हमारा क्यों जीना पे है कि कैसे जीना पे है? कैसे जीना पे है? जॉब कैसी होगी, कपड़े कैसे होंगे, गाड़ी कैसी होगी, मकान कैसा होगा, फ्यूचर कैसा होगा, ये सारी चीज़ों को मिला के हम मोटा मोटी ये कह रहे हैं कि हम जिंदा रहने में और क्वालिटी क्या हो सकती है ना, कहीं ना कहीं इस तरह की बातें ज़्यादा। क्यों जीना है इसकी क्लैरिटी नहीं है, और कैसे जीना है पे पूरी मेहनत हो रही है, कहाँ जाएगी जिंदगी? क्यों जीना है का पता नहीं है, हम सूटकेस लेके घर से निकल गए हैं, कहाँ जाना है ये तय नहीं है, तो कौन सी ट्रेन में बैठेंगे? हम सूटकेस लेके निकल गए, मतलब जन्म हो गया, मतलब सूटकेस लेके निकल गए ना। हम मानव रूप में इस धरती पे आ गए तो हम सूटकेस लेके निकले ही हुए हैं, लेकिन किस ट्रेन में बैठेंगे? कितने प्रतिशत लोगों को समाज में क्लैरिटी है कि वो क्यों जी रहे हैं? कितने प्रतिशत लोगों को समाज में ये क्लैरिटी होगी कि वो क्यों जी रहे हैं? क्या अंदाजा लगता है? उसके बाद भी हंस लेते हैं, क्या बुरा है? ये अपने आप में अद्भुत बात है कि नहीं है कि हमको नहीं पता है कि मैं क्यों जी रहा हूं, मुझको अपने पर्पस का पता नहीं है, लक्ष्य का पता नहीं है, मैं केवल एक भीड़ में शामिल हो गया हूं और भीड़ जो कर रही है मैं भी उसको करने लगता हूं। इसलिए बार बार जिंदगी कहती है कुछ तो गैप है, कुछ तो गड़बड़ है। बहुत सारे लोग सोचते थे कि कुछ जो भी एक अच्छी नौकरी, एक अच्छा है ना, कुछ कुछ हो जाए, बच्चे सेटल हो जाए। ऐसे तमाम लोग समाज में मिलेंगे जिन्होंने जैसी नौकरी जितना पैसा चाहा था उससे ज़्यादा पैसा आया है, जितनी उपलब्धि वो ज़िंदगी में चाहते थे उससे ज़्यादा उपलब्धि आई है, और बच्चे आज बच्चे सेटल हो गए हैं, जैसा उन्होंने सोचा था उससे बेहतर सेटल हो गए हैं, पर ज़िंदगी में अभी भी खालीपन है और ज़ोरदार खालीपन है। इसका मतलब हुआ कि ये क्यों जीना है वाला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एड्रेस किए बिना आगे का कुछ भी ठीक से खुलता नहीं है, जिंदगी गोल गोल घूमती है।